नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा रद्द न होने पर कोर्ट का रुख करेंगे अभ्यर्थी। PNP दफ्तर के 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन को विभिन्न छात्र संघ ने दिया समर्थन। तो क्या है इस संबंध में लेटेस्ट न्यूज, आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्ड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो क्या है दोस्तों इसके संबंध में लेटेस्ट न्यूज, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसके समक्ष सारी आपको रिपोर्ट मिलती रहे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि परीक्षा निरस्त नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे यहाँ पर अभ्यर्थी। तो परीक्षा निवारक प्राधिकारी PNP कार्यालय पर लगातार 7वें दिन रविवार को भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखा। अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है कि 17 जनवरी को आने वाली जाँच रिपोर्ट के बाद अगर परीक्षा निरस्त नहीं की जाती तो वे कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का दावा है कि 6 जनवरी को ही परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। प्रतियोगी छात्रों ने इस आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष एन साई बालाजी और पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कनुप्रिया ने अपना समर्थन दिया है। तो एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा का नेतृत्व कर रही अनुराधा तिवारी ने कहा है कि PNP ने के सचिव पेपर आउट होने की बात जो है सही नहीं मान सकते, क्योंकि परीक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है सचिव की ही होती है, तो ऐसे में वो कैसे सही मान लें। तो वहीं छात्रों के पास पेपर आउट होने के साक्ष्य भी हैं, उनके पास प्रमाण हैं और यह बात जो है पूरे प्रदेश के छात्र मान भी रहे हैं कि छात्रों के पास जो इस बात के प्रमाण हैं, तो पूरे क्षेत्र के जो है सारे छात्र मान भी रहे हैं इस बात को। कहा है यहाँ पर, कहा गया है कि प्रदेश के सभी छात्र जो है एकजुट होंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों को 17 तारीख का इंतजार है, अगर जाँच के बाद परीक्षा रद्द नहीं होती तो अभ्यर्थी आंदोलन को और तेज करेंगे और कोर्ट की शरण में जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि 17 जनवरी को PNP कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। रविवार को हुए प्रदर्शन में सुनील मौर्य, समरीन अंजुम, सुनील यादव, अलाउद्दीन अली, विवेक दुबे, सुषमा पटेल, कोमल गुप्ता, अंजू पारुल, यामिनी, अर्चना, शैलेश, निरंजन, आयुष्मान सिंह आदि मौजूद रहे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस लेटेस्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।